Now, former opener Gautam Gambhir has been appointed as Team India head coach. He replaces Rahul Dravid, who had already clarified that he won't sign an extension after the recently conducted ICC event. Gambhir's first assignment as the head coach of the Indian team will be the upcoming limited over series against Sri Lanka. Gautam Gambhir was not the only candidate for the role of India's head coach, as the BCCI also interviewed ex-India batter W.E. Raman. The board eventually selected Gambhir for this coveted post. Gautam Gambhir has coached IPL team Kolkata Knight Riders, which won its third title this year. And of course, he's also been a captain of the same team, which won these two titles earlier on under his captaincy. Manoj Joshi, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Manoj, humse baatcheet karne ke liye aapka dhanyawad. Kya kya bade badlav ki apeksha ki ja sakti hai? Gautam Gambhir ab कोच नियुक्त किए गए हैं भारतीय टीम के, साथ ही साथ गौतम गंभीर की जो अनबन रही है कुछ सीनियर प्लेयर्स के साथ भारतीय टीम में, उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल दुखती रखकर उंगली रख दी है। पहले मैं पहले सवाल पे आता हूँ कि जिस तरीके से इस खिलाड़ी में बहुत जबरदस्त टेम्परामेंट रहा है, बताओ कोच भी बताओ खिलाड़ी भी, क्योंकि मैं वो नेपियर टेस्ट कभी नहीं भूल सकता जहां इन्होंने दूसरी पारी में जो सेंचुरी बनाई थी, 137 की पारी खेली थी और उसमें करीब 10 घंटे तक क्रीज पर रहे थे और भारत 39 साल के बाद न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब रहा था। और इस तरह चाहे वो ओडीआई का वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप फाइनल हो, इनकी बहुत ही अहम भूमिका रही, एक सक्सेस का पर्याय माने जाते हैं गंभीर। तो एक तो मैं कहूंगा कि टेम्परामेंट जो है टीम के अंदर रखेंगे और दूसरी इनकी जो खूबी है बहुत बड़ी कि रवि शास्त्री की जो शैली है कोचिंग की उसकी काफी मतलब ये मिलती जुलती है। जैसे रवि शास्त्री ज्यादा वो हाई इंटेंसिटी क्रिकेट पर ज्यादा तवज्जो देते थे, ये भी उसी पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, प्लेयर ऑफ फ्रीडम देते हैं, प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा आजादी देते हैं और ट्रेनिंग के समय उससे बात नहीं करते, ट्रेनिंग के बाद जो है उसे उसे मशवरा देते हैं, अहम मशवरा, और उसे बैक करते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं खिलाड़ी में। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि आप आईपीएल में और टीम इंडिया में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां तो आप एक चिट भेज देते थे किसी 12th मैन के हाथ या ड्रिंक्स के दौरान, और क्या रोहित शर्मा इस बात को अब स्वीकार करेंगे, इस बात को बड़ा एक सवाल। जोशी जी, एक 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 और सवाल आता है कि गौतम गंभीर की जो आक्रामक शैली है उससे टीम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या एक जो उनका रवैया है वो टीम को अगले लेवल तक ले जाता है? क्या फिर जो अनिल कुंबले के साथ हुआ था, क्या वो हो सकता है गौतम गंभीर के साथ? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुंबले को लेकर भी गौतम गंभीर काफ़ी बार फरमा चुके हैं कि जो कुंबले के साथ हुआ और जिस तरीके से सीनियर टीम ने उनके साथ बर्ताव किया वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। क्योंकि सिर्फ कोच नॉलेजेबल होने से ही बात नहीं बनती, कप्तान और टीम मेंबर्स जो खासकर सीनियर मेंबर्स के साथ केमिस्ट्री भी बहुत मायने रखती है। कि शास्त्री और विराट की रही, द्रविड़ और रोहित की रही, क्या आप ये रोहित के साथ उनकी वो मेंटेन रह पाएगी? क्योंकि कुंबले का उदाहरण सबके सामने है, विद्वत्ता में ज्ञान में कुंबले की कोई मुकाबला नहीं। तो आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी उसमें भी रहे और उस वक्त विराट भी टीम के कप्तान थे लेकिन केमिस्ट्री नहीं बन पाई, और इनके बीच में आपसी जो अनबन थी, अनबन की जो खबरें आई थी सामने, और वो भी जो है छुपने को तैयार नहीं था उस समय। लेकिन जिस तरह से आईपीएल में दोनों आपस में गले मिले और आपस में जिस तरह से देश हुए दूर किए, उसकी बात है। राहुल विराट कोहली को यह बता दिया गया था, इस बात का बिल्कुल रहा होगा कि अगले जो कोच है वो गौतम गंभीर बनने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये सारी चीजें शायद मुझे लगता है कि गंभीर उसको ज्यादा मैच्योरनेस मैच्योरिटी के साथ उन सब अगले शिक्षकों को दूर करेंगे, क्योंकि वो टीम हित में है और टीम हित में ही विराट ने जो है बहुत सारी पारियां खेली, रोहित शर्मा के साथ भी कभी विराट की अगले शिक्षक पे थे, जो रवि शास्त्री ने जिस बात को स्वीकार भी किया था, जो उन्होंने दोनों को बिठाकर समझाया भी था। तो जब रोहित शर्मा की कप्तानी में विराट अपनी तरफ से 100% देते रहे तो मुझे लगता है कि शायद ये दिक्कत प्रोफेशनल वर्ल्ड को देखते हुए, प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए शायद वो दिक्कत ना आए, लेकिन एक चुनौती जरूर रहेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.